प्लम्बिंग के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें शॉप प्लम्बिंग सर्विस जोगिंद्रनगर। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं वो टाइम आपके लिए शुभ हो। मैं इसके धीमान और आप देख रहे हैं शॉप प्लम्बिंग सर्विस जोगिंद्रनगर, बिकॉज आई लाइक डिफरेंट। तो फ्रेंड, आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी जानकारी जो शायद आपको पसंद आए और सही लगेगी आपको, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा जाता है कि जब हम सीवरेज की पाइपों का कनेक्शन करते हैं तो लोग अक्सर लोगों को ये कंफ्यूज रहता है कि जैसे ही हम प्लम्बिंग का काम करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि सेप्टिक टैंक बनाया जाए या सीवरेज में कनेक्शन दिया जाए। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे कुछ प्लम्बर भाई काम करते हैं तो वो कन्फ्यूज रहते हैं कि सीवरेज का कनेक्शन क्या होता है और सेप्टिक टैंक क्यों बनाया जाता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो कनेक्शन होते हैं वो होते हैं सेप्टिक टैंक में, जैसे टॉयलेट का पानी होगा वो हमारा सेप्टिक टैंक में जाएगा, और अगर हमारा बाथरूम का ड्रेनेज पाइप या किचन का जो ड्रेनेज पाइप होगा वो जो है हमारा पानी जो है वो सोप किट में जाता है। सोप किट होता है हमारा, जैसे एक चैम्बर बनाया होता है यानी गड्ढा बनाया होता है, उसमें जो है जितना भी हमारा नहाने का पानी या किचन का पानी जो होता है जिसमें साबुन लगा होता है वो जो है हमारा अलग से सोप किट में बनाया होता है, वहाँ पे उस सोप किट में जाता है ताकि वो जो पानी है वो धीरे धीरे करके रिस जाता है। तो यानी वो धीरे धीरे करके सोप किट अगर हमारा भर जाता है तो हम उसको जो है निकाल के ड्रेनेज कर सकते हैं। और टॉयलेट का जो हमारा पानी होता है, टॉयलेट होगा तो उसका जो कनेक्शन जाता है हमारा जाता है सेफ्टी टैंक में। सेफ्टी टैंक हमारा जैसे बनाया होता है जैसे 8x10 का बनाया होता है, या आप इसको अलग अलग साइजों में बना सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसमें जो है आप सिर्फ टॉयलेट का ही पानी डाल सकते हैं और अदर कोई साबुन लगा हुआ पानी उसमें नहीं डाल सकते। अगर उसमें आपका साबुन लगा हुआ पानी जाएगा तो उसमें जो कीटाणु वगैरह बनते हैं वो कीटाणु वगैरह नहीं बनेंगे और आपका जो सेफ्टी टैंक है वो जल्दी भर जाएगा, ये जो है नहीं सूखेगा। तो इसलिए बनाया जाता है सेफ्टी टैंक। आप शहर में रहते हैं तो वहाँ पे आपको सीवरेज की फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है तो और आपको बनाना भी ज़रूरी होता है। तो शहरों में हमारा जो है सीवरेज का कनेक्शन होता है तो सीवरेज की फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि उसमें आप जो है बाथरूम का पानी, किचन का पानी, बाथ बेसिन का सोप लगा हुआ और जो टॉयलेट का पानी है वो इकट्ठा डाल के उसको जो है सीवरेज में उसका कनेक्शन दे सकते हैं। उससे जो होगा वो सीवरेज वाला जो कनेक्शन होगा वो आपके घर से सीवरेज के प्लांट में चला जाता है और वहाँ पे उसको वो फिल्टर करके उसकी खाद बना लेते हैं और गैस वगैरह जो होती है जो हमारे घरों में यूज की जाती है वो उससे बनाई जाती है। तो यानी पूरे शहर का जो जितना भी हमारा गंदा पानी होगा टॉयलेट का और किचन बाथरूम का वो सारा हमारा सीवरेज में जाता है। तो उसमें आपको सेफ्टी टैंक बनाने की ज़रूरत नहीं है और आपको उसको अलग अलग सोप किट और सेफ्टी टैंक बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारे सीवरेज का कनेक्शन दिया जाता है, वो होता है हमारा सीवरेज का कनेक्शन। और अगर आपको प्लम्बिंग के बारे में लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखनी है और अगर आप प्लम्बिंग का काम सीख रहे हैं और नई से नई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। उसके लिए आपको जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 9625139948 पे को एक मैसेज करना है और आप अपना नंबर जो है मेरे साथ शेयर करना है, को उस ग्रुप के साथ ऐड कर दूंगा और आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। और जैसे ही आपको कोई लेटेस्ट वीडियो मिलती है वो आपको शेयर हो जाएगी और अधिक से अधिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। प्लम्बिंग की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें शॉप प्लम्बिंग सर्विस जोगिंद्रनगर, बिकॉज आई लाइक डिफरेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। देखिए फ्रेंड, ये हमारा टॉयलेट का पाइप निकला हुआ है जो कि पीवीसी का पाइप है और 4 इंच का है। सीवरेज का कनेक्शन हमने किचन की जो पाइप है ड्रेन पाइप उसका वो भी इसके साथ अटैच किया हुआ है, और टॉयलेट और किचन का जो ड्रेन और बाथरूम का जो ड्रेन पानी है वो भी हमने साथ में कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि वो हमारा गड्ढे में नहीं, सेफ्टी टैंक में नहीं जाएगा, वो जाएगा हमारा सीवरेज में, क्योंकि सीवरेज में हम इसको इकट्ठे डाल सकते हैं। ये हमारा इनलेट है, ये भी हमारा इनलेट है जो कि दूसरी तरफ जाएगा, और ये हमारा आउटलेट है चैम्बर का। चैम्बर हमारा जो है 16x16 का है और इसका जो सारा जो होगा वो
हमारा सीवरेज में कनेक्शन जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शेप प्लम्बिंग सर्विस जोगिंदर नगर। शेप प्लम्बिंग की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें शेप प्लम्बिंग सर्विस जोगिंदर नगर।